गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मैथ स्पिरिट। टेक आउट योर टेक्स्ट बुक ऑफ मैथ्स, टेक आउट योर पेंसिल, रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी पेज नंबर 68। आज हम पेज नंबर 68 का सीखेंगे। ओके, मैथ्स पेज नंबर 68। पेज नंबर 68। हेडिंग मल्टीप्लाइंग बाय जीरो। हमारे इस थीम का हेडिंग क्या है? मल्टीप्लाइंग बाय जीरो। अब हर एक नंबर को आपने जीरो से अगर मल्टीप्लाई किया, प्रत्येक नंबर ला तुम्ही जर जीरो ने गुण लो, मल्टीप्लाई मतलब गुणाकार करने, कोणत्याही नंबरचा जीरो सोबत जर गुणाकार केला, जीरो मीन्स शून्य, तर त्याचं आन्सर काय येते, त्याचं उत्तर काय येते, झिरोच येते। ते आपण आज बघणार आहोत। चेक पॉइंट एनरिचमेंट ऍक्टिव्हिटी। ओके, देर आर थ्री वास इन साक्षी हाऊस। साक्षीच्या घरी किती फ्लावर पार्ट आहे? थ्री। किती आहे? थ्री। यू कॅन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। देर आर झिरो फ्लावर। फक्त ते फ्लावर्स असं पॉट आहे, त्याच्यामध्ये फ्लावर्स नाही आहेत, म्हणजे झिरो आहे, काहीच नाही म्हणजे झिरो आहे। ओके, सो देर आर झिरो फ्लावर्स। फ्लावर पार्ट किती आहे? फ्लावर वास किती आहे? थ्री। तीन आहे, बट त्याच्यामध्ये फ्लावर झिरो आहे, म्हणजे फुलं काहीच नाही आहे। फ्लावर मीन्स फुलं। सो वी हॅव टू डू ॲडिशन हिअर। ओके, झिरो प्लस झिरो प्लस झिरो, आन्सर विल बी झिरो। झिरो को ॲड करण्याचं काय आएगा आन्सर? ऑब्विसली झिरो ही आएगा, क्योंकि झिरो मीन्स नथिंग, झिरो म्हणजे काहीच नाही। ओके, थ्री ग्रुप ऑफ झिरो फ्लावर्स ईच, मतलब फ्लावर के ग्रुप कितने हैं? तीन, और हर एक ग्रुप में कितने फ्लावर्स है? जीरो। जीरो मीन शून्य, नथिंग, काहीच नाही। ओके, सो आंसर आया इसलिए जीरो। देन ये जीरो क्या है? ये फ्लावर्स है। फ्लावर्स मीन्स फूल, ये है फ्लावर्स। ओके, थ्री ग्रुप्स, ऐसे कितने ग्रुप है? थ्री, तीन ग्रुप्स आहेत। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? थ्री। सो थ्री मल्टीप्लाई बाय जीरो, ये फ्लावर्स है जो हमने यहाँ पे लिए, और ये जो आपके मतलब फ्लावर्स रखने की जो पॉट है ना, वो तीन है। सो थ्री इंटू जीरो, ये इंटू का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है बेटा, मल्टीप्लिकेशन साइन, साइन जो होता है ऐसे, ऐसे कैसे होता है साइन? ऐसे गुणाकार, इसको बोलते हैं गुणाकाराचा चिन्ह। ओके, सो थ्री मल्टीप्लाई बाय जीरो, अगर आपने थ्री को जीरो से गुना कर दिया, मतलब थ्री इंटू जीरो, तुम्ही तीनाचा जर झिरो से गुणाकार केला, तर आन्सर काय येणार? झिरो येणार। थ्री झिरो जा झिरो, इथे काही नंबर नाही आहे। सपोज इथे टू असतात, तर काय आन्सर आलं असतं? थ्री टू जा सिक्स, पण इथे काय आहे? फक्त झिरो आहे, झिरो, म्हणून आन्सर काय येणार? झिरो। तर आपल्याला याच्यामध्ये हे शिकायचं आहे की कोणत्याही नंबरला, कोणताही नंबर म्हणजे इथे कोणता नंबर आहे? थ्री। सपोज कोणत्याही नंबरला तुम्ही झिरोनी मल्टीप्लाय केलं, झिरोनी गुणलं, तर आन्सर काय येणार? झिरो। ठीक आहे, आन्सर विल बी झिरो। सो आज हमें यही कॉन्सेप्ट सीखना है। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। When we multiply number by zero, the answer is always zero. इस लाइन का मतलब ये होता है, सबसे लास्ट में एक लाइन दी है जो ग्रीन बॉक्स है ना, उसके ऊपर। When we multiply, जो वह अपन गुणाकार करतो, multiply means गुणाकार करने, any number by zero, कोणत्याही नंबर से अपन जेव्हा झिरो ने गुणाकार करतो, किंवा कोणत्याही नंबरला जेव्हा अपन झिरो ने गुणतो, तेव्हा त्याचा आन्सर येते नेहमी झिरो, मीन्स शून्य। समजलं? ओके, नाउ नेक्स्ट एनरिचमेंट ऍक्टिव्हिटी, चेक पॉइंट दॅट इज मल्टीप्लाय। अभी हम ऍक्टिव्हिटी शुरू करने जा रहे, चेक पॉइंट उसका हेडिंग है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट।
यू हैव टू राइट अलोंग विथ मी, मेरे साथ आपको लिखना है, एक्सरसाइज बुक में ये कंप्लीट करना है. ओके, चेक पॉइंट नाउ, सेम पेज नंबर, चेक पॉइंट. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट एग्जांपल, 5 × 0. व्हाट इज एग्जांपल? 5 × 0, इट मीन्स 5 × 0. आता 0 ने कोणत्या नंबरला आपल्याला गुणायचा आहे? 5. सो लेट्स स्टार्ट एग्जांपल. 5 × 0 मीन्स 5 × 0, 0 मीन्स 0. आंसर, आंसर क्या आना चाहिए? अभी सर्कल में आपको आंसर लिखना है. 5 × 0, 0. 5 × 0, 0. 8 × 0, 0. 8 × 0, 0. जैसे हमने ऊपर देखा, किसी भी नंबर को आपने जीरो से अगर गुना है, मतलब गुणन फलन किया है, तो उसका आंसर आता है 0. कोणत्या ही नंबरला तुम्ही जीरो ने अगर गुणाकार केला तर त्याचा आंसर येते 0. ओके, सो 3 × 0 इज इक्वल टू 0. गॉट इट? येस. नेक्स्ट, 6 × 0. नेक्स्ट, 4 × 0. 4 × 0, 0. 7 × 0. 0. These are answers, not circle. 7 × 0. Then next topic. Okay, I can write here also. So next example, 96 × 96. एक डिजिटला आपण पाहिलं की एक डिजिटला जर आपण झिरोनी गुणाकार केला, एक डिजिट सोबत जर झिरोनी गुणाकार केला, एक डिजिट मतलब एका नंबर सोबत, तर आन्सर येते 0. तर दोन नंबर सोबत जरी केला तरी आन्सर येणार आहे 0. सो 96 × 0 = 0. राईट. नेक्स्ट एक्झाम्पल, 100 × 0 = 0. क्योंकि आपने दो डिजिट लो या थ्री डिजिट लो, आंसर तो सेम ही आना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 0 है. गॉट इट? सो 60 × 0 = 0. इट्स वेरी वेरी सिंपल, खूपच इजी आहे, खूप सोपं आहे, टेन्शन घ्यायचं नाही. एकच कॉन्सेप्ट लक्षात ठेवायची, एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची की कोणत्याही नंबरला आपण जर झिरोने गुणाकार केला, कोणत्याही नंबर सोबत आपण जर झिरोचा गुणाकार केला तर आन्सर येते 0. दुसऱ्या शब्दात सांगायचं झालं तर कोणत्याही नंबरला आपण जर झिरोने शून्याने गुणलं तर आन्सर 0 येणार आहे. ठीक आहे, तो मग एक डिजिट नंबर असो की दोन डिजिट नंबर असो, तीन डिजिट असो की चार डिजिट असो. नाउ 100 हमने किया, 1000 × 0. गॉट इट? येस. नाउ नेक्स्ट, मल्टीप्लाइंग बाय वन. नाउ साक्षी हैज पुट अ फ्लावर इन ईच वास. अब साक्षी के पास फ्लावर वास कितने थे? 3 थे. जिसमें फ्लावर रखते हैं ना उसको बोलते हैं फ्लावर वास. अच्छे कितने थे? 3 थे. साक्षी हैविंग 3 फ्लावर वास. ओके, सो 1 + 1 + 1, ऐसे टोटल मिला के उसके पास कितने हो गए? मतलब उसके पास 3 पहले फ्लावर वास थे और उसमें उसने फ्लावर भी एक फ्लावर वास में एक मतलब एक पॉट में एक फ्लावर ऐसे उसने रख दिया. आता आपण बघू की तिच्याकडे 3 फ्लावर वास म्हणजे 3 फ्लावर पॉट होते आणि त्याच्यामध्ये तिने काय ठेवलं? एक एक फूल ठेवलं. फ्लावर मीन्स फूल, तर तिने त्याच्यामध्ये काय ठेवलं? एक एक फूल ठेवलं. सो 1 + 1 + 1 = 3. ये जो है ना, ये इसका प्लस करना है. 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3. गॉट इट? सो 3 फ्लावर्स आर देयर नाउ. अब फ्लावर्स कितने हो गए? 3 हो गए. 3 फूल आहेत आता, किती आहे? 3. ओके, सो 3 groups of 1 flower. तो ऐसे कितने ग्रुप है फ्लावर्स के? 3 है. हर एक ग्रुप में एक एक फ्लावर है. राइट, सो 3 × 1 = 3. आंसर क्या आता है? 3 × 1 = 3. फ्लावर कितने हैं? 3.
और फ्लावर वास कितने है? वो भी 3 है। ओके आई बात समझ में? फ्लावर वास भी 3 है और उसमें एक एक फ्लावर रख दिया तो वो बन गए 3। गॉट इट? सो इस तरह आपको यहाँ पे इसके ऊपर आंसर लिखना है ये, और नीचे का आंसर ऑलरेडी लिखा है। गॉट इट? नाउ अगेन वन चेक पॉइंट इज देयर, चेक पॉइंट मल्टीप्लाई एनरिचमेंट एक्टिविटी। ओके लेट्स स्टार्ट ऑन पेज नंबर 68 ओनली। अब 68 ही पेज नंबर शुरू है। 4 वन्स आर 4 राइट देयर, 1 इन गिवन सर्कल, जो आपको एक सर्कल दिया है, जो गोल दिलेला आहे त्याच्यामध्ये त्याचे आंसर्स लिहायचे। ओके चलो शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आई होप कि आप मेरे साथ लिख रहे हो। ओके आपको समझना चाहिए, इसलिए मैंने भी हिंदी मराठी भी शुरू कर दी इसमें, क्योंकि इंग्लिश में समझता नहीं था ना, तो हम इंग्लिश मराठी में भी सीख, हर एक लाइन जो मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ ना, वो सेम मैं मराठी में और इंग्लिश में बताती हूँ, सॉरी हर एक लाइन जो मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ ना इसमें से, वो मैं आपको हिंदी में और मराठी में समझाती हूँ। ओके तो अब ऐसा नहीं बोलना कि समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट आप जैसे मैं बोल रही हूँ वैसा करो। जब मैं लिखती हूँ तो आप सेम टाइम आपको पेंसिल लेके वो आपके बुक में कंप्लीट करना है और समझ लेना है कि वो आंसर कैसे आया। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कि मैडम आपने वो पढ़ाया था सुबह लेकिन मैं नहीं समझ पाया, मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं आपको वापस एक बार फ़ोन पे वो रिपीट कर सकती हूँ, फ़ोन पे समझा सकती हूँ, बट ये कंप्लीट करना ही है। गॉट इट? समझ में आया? यस लेट्स स्टार्ट। चेक पॉइंट नाउ 4 वंजा 4। आपको टेबल ये लर्न है, मैंने कल ही कहा था कि टेबल रीड करना, यू हैव टू रीड टेबल्स एवरी डे। मैंने कहा था कि टेबल आपको हमेशा सुबह उठने के बाद शाम को सोने से पहले आपको टेबल रीड करने हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके लर्न हो जाएंगे। तो आपको ये 4 वन जा 4 एकदम ईजी है, सो आपको आता ही है। ओके सो 4 वन जा 4, गॉट इट? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 वन जा 3 वन जा 3। लेट्स स्टार्ट। 3 वन जा 3 वन जा 3। अब 3 को कौन से नंबर से आप मल्टीप्लाई करते तो आंसर 3 आता है? ऑब्वियसली 1। 1 नंबर से जब आप 3 को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है 3, राइट? यस। नेक्स्ट नाउ 15 जा, सो 15 वन जा 15। कौन से नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 15 आता है? 15 itself, 15 को 1 से आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है 15, राइट? नेक्स्ट 12 वन जा, ये भी वैसा ही है, सेम एग्जांपल है। आपने ऊपर के इसमें 0 से मल्टीप्लाई किया, अब इसमें आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है। सो वी हैव टू गो सिंपल इज टू हार्ड, आपण सोप्याकडून कठीणाकडे जाऊया। सगळ्यात पहिले आपण 0 ने मल्टीप्लाई केलं, नंतर आपण 1 ने केलं। ओके नाउ 12 वन झा 12, 12 वन झा 12। सो यहाँ पे सर्कल है, ये सर्कल में आपको आंसर लिखना है। 7 ब्लैंक, 7 आफ्टर 1 ब्लैंक इज देयर, 7 ब्लैंक झा, मतलब यहाँ पे आपको आंसर निकालना है 7। अब 7 को कौन से नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे ताकि आंसर आना चाहिए 7? ऑब्वियसली 1, 7 वन जा 7। गॉट इट? सो दिस वे वी हैव टू फाइंड द आंसर। नेक्स्ट 16 जा, कौन से नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है 6। ऐसा कौन सा नंबर है जब आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 6 आता है? इट इज 6 इटसेल्फ, 6 वन झा 6, बराबर है आपका आंसर? यस। यू हैव टू चेक द आंसर आल्सो, आपने ये सॉल्व करने का तो आपके आंसर भी आपको चेक करना है कि बराबर आ रहा है कि गलत आ रहा है। ओके नाउ 6 इज ओवर। नेक्स्ट 21, 21 वन झा 21। ओके सो सर्कल यहाँ पे है, ये आंसर आपको यहाँ पे लिखना है 21 वन झा 21। अब हमने डिजिट चेंज किया, अब हम एक नहीं दो डिजिट से कर रहे हैं मल्टीप्लाई। 21 म्हणजे 21 ला आपण जर 1 ने गुणलं 1 ने गुणलं म्हणजे याचं गुणनफलन किती येते 21। 21 गुणिला 1 इज इक्वल टू 21। ओके नाउ नेक्स्ट 82,
82 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 82 को कौन से नंबर में आपने अगर मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 82 1 से ऑब्वियसली किसी भी नंबर को अगर वही जैसे कि 5 है अगर 5 का आंसर 5 आना चाहिए तो आप कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 1 से 5 1 जा 5 सेम ऐसे 82 1 जा 82 राइट नेक्स्ट एग्जांपल 100 इनटू ब्लैंक इज इक्वल टू 100 अब ये बड़ा नंबर है 3 डिजिट का 100 को आप कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करते हो ताकि आंसर आना चाहिए 100 कौन सा नंबर है 1 कौन सा नंबर है 1 बिकॉज 100 1 जा 100 जिसके टेबल लर्न है उसको यू आ जाएंगे आंसर सबसे पहली बात है कि आपको टेबल लर्न चाहिए गॉट इट और टेबल लर्न होने के लिए आपको टेबल रोज रीडिंग करने पड़ेंगे सो 100 1 जा 100 गॉट इट सो दिस वे मल्टीप्लाई चेक पॉइंट इज फोर राइट सो हाउ मेनी मिनट्स आर देयर So, on next page, we can do three examples are there. Pulcha page var paa, page number 69. Page number 69. Okay. Mere saath aap likh rahe ho. Okay. और मल्टीप्लीकेशन क्वेश्चन कैन बी रिटन इन टू वेज दो तरह से मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन लिखा जाता है 3 2 6 7 5 वॉट एवर इज देयर यू हैव टू राइट ऑन द ब्लैंक नाउ सी 3 2 6 द नेक्स्ट इज 7 5 35 इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपके टेबल लर्न चाहिए ओके पहले इजी एग्जांपल थे 4 10 40 पहले इजी एग्जांपल थे अब थोड़ी उसकी डेप्थ जो है वो बढ़ रही है मतलब थोड़े आपको अभी टेबल की जरूरत आनी पड़ेगी ओके इसलिए आपको इसके साथ साथ टेबल भी लर्न करने पड़ेंगे सो ये हो गया वर्टिकली का मतलब होता है आड़वे एग्जाम्पल आता हेच एक्झाम्पल आपल्याला हे झाले आता हॉरिझेंटली म्हणजे आडवे आता हेच एक्झाम्पल आपल्याला काय पाहायचं असे उभे लेट स्टार्ट 3 2 6 व्हेरी गुड इट्स ऑलरेडी गिवन नेक्स्ट 7 5 ये जो साइन है ये मल्टिप्लिकेशन की साइन है डोंट फॉरगेट 7 5 35 ओके देन ये 4 10 40 ये एग्जांपल आप ऐसे भी कर सकते हो 10 4 40 आंसर सेम आएगा गॉट इट इट्स वेरी वेरी इजी बहुत ही आसान है खूपच इजी आहे खूप सोपा आहे टेंशन घ्यायचं नाही नाउ एक्सरसाइज 4.5 वी आर गोइंग टू गिव यू होमवर्क गॉट इट 4.5 ए एंड बी आर होमवर्क इट्स वेरी वेरी इजी जे आता मी तुम्हाला होमवर्क देणार आहे ते खूपच इजी आहे जे आपण आता शिकलो याच्यावरच बेस्ड काही एक्झाम्पल आहे पेज नंबर 69 पेज नंबर 69 सब्जेक्ट मॅथ्स जिसको याद नहीं रहता वो लिख लीजिए क्योंकि होमवर्क करना बहुत जरूरी है एक्सरसाइज 4.5 एक्सरसाइज 4.5 ए एंड बी यू हैव टू सॉल्व Solve A and B and send photo in the WhatsApp group. Got it? Samajhla? Yes. That's it in math today. Thank you. Have a nice day.